वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, व्हिस्की पीने का क्या सही तरीका है? अच्छा, क्या आप जानते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है कि हाउ टू ड्रिंक व्हिस्की। आज भी मैं वैसा ही कुछ करने वाला हूँ, बट आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। मैं आपको 3 आइडियाज दूंगा जिससे आप व्हिस्की पीने के बाद आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है। वो 3 आइडिया क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको व्हिस्की जैसे पसंद है वैसे ही पीना चाहिए। मेरे बातों को गौर करते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर व्हिस्की के साथ लॉट्स ऑफ वाटर पसंद है, आप बिल्कुल पी सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आइस पसंद है, वो भी जायज़ है। इवन मैं बोलूँगा कि आप कोक, जूस जो भी डाल के पीते हैं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये आपका ड्रिंक है। आप कैसे पियोगे वो संपूर्ण आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर एक एक्सपर्ट राय आपको जाननी है, अगर आपको जाननी है कि यूजुअली कैसे पीने से बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है, तब जाके ये वीडियो आपके लिए है। मैं 3 सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा, या आप बोल सकते हो कि व्हिस्की ड्रिंकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फर्स्ट है नीट ड्रिंकिंग। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने आपको बताया नीट, तो आप चौंक गए कि बोले यार, इंडिया में हम लोग कैसे व्हिस्की को नीट पियेंगे। बाय द वे, नीट मतलब 60 ml व्हिस्की एक ग्लास में, और कुछ भी नहीं, ना वाटर ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार नीट कैसे पियेंगे, इंडिया में इतना गर्मी है यहाँ पर, तो नीट कैसे पिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो व्हिस्की को नीट ही पिया जाता है, बट हम लोगों को वो प्रोसेस मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग गलत सोचते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेता हूँ कि आपको मैंने 30 ml ये व्हिस्की 30 ml एक ग्लास में डाल के दिया और बोला पीजिए, तो आपको कितना टाइम लगेगा? बड़ी मुश्किल से 3 सेकेंड, 5 सेकेंड या 5 मिनट आप ख़त्म कर दोगे। बट मैं आपको अगर कहूँ कि ये बहुत गलत है और ये गलत प्रोसेस है, जी हाँ फ्रेंड, उस 30 ml व्हिस्की को आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स देना है, जी 30 मिनट्स। बट हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग फटक से पी जाते हैं, और जैसे ही व्हिस्की के अंदर में जाते हैं तो वो फाइट करता है, बैक करता है, और हम लोग खांस उठते हैं और बोलते हैं कि कितना घटिया चीज़ है। देखिए फ्रेंड, नीट ड्रिंकिंग एक आर्ट है और इसको डेवलप करना चाहिए ओवर द टाइम पीरियड। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो पैलेट है वो डेवलप्ड हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि जब आप पहला मर्तबा व्हिस्की को पिए थे, तब क्या आपको बहुत अच्छा लगा था? आप बोले होंगे कि यार कितना घटिया ड्रिंक है, कैसे पी लेता है इतना बदबूदार ड्रिंक। बट आज देखिए, आप यूट्यूब वीडियो देख देख कर पीते हैं, इसका मतलब ओवर द टाइम पीरियड आपने अपना पैलेट को डेवलप कर लिया और आज व्हिस्की आपको टेस्टी लगने लगा है ना। ऐसा ही कुछ है नीट ड्रिंकिंग, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नीट ड्रिंकिंग पीने का एक जेन्युइन प्रोसेस है जिसको हम लोग बिल्कुल जानते नहीं है, और वो है कि एक ग्लास में उसको पोर कर देना 60 या 30 ml, बट वो ग्लास ठंडा होना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक व्हिस्की ग्लास है जिसमें व्हिस्की को मैं पोर करके पीऊंगा, और ये ठंडा है, ये देखिए फ्रॉस्टेड हो चुका है। ऐसा करके आपको नीट ड्रिंकिंग करना है, मतलब 30 ml या 60 ml। तो चलिए मैं 30 ml इसमें, या चलो 60 ml पोर करते हैं व्हिस्की को। ये मेरा 60 ml व्हिस्की मैंने पोर कर दिया, ये देखिए। ऐसा क्यों करते हैं, ये ठंडा करना क्यों जरूरी है? जैसे ही आप कोई ठंडा ग्लास में व्हिस्की को डालेंगे, तो व्हिस्की का जो ऑयली सरफेस है वो वॉल में, मतलब ग्लास का जो वॉल है उसमें चिपक जाएगा, और आपको फैंटास्टिक एरोमा देगा। व्हिस्की का जो जेन्युइन एरोमाज है वो आप प्रॉपर तरीके से ले सकेंगे या डिटेक्ट कर सकेंगे। तो इसलिए ग्लास को हल्का ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक एक्सपर्ट राय है, इसी तरीके से आपको व्हिस्की को पीना चाहिए। अगर आपके पास ठंडा ग्लास नहीं है, कोई बात नहीं फ्रेंड, आप ऐसे ही कोई ग्लास में एक आइस क्यूब डाल दीजिए और उसको अच्छा करके रोटेट कर लीजिए, उसके बाद आइस क्यूब को फेंक दीजिए, तो आपका ग्लास ठंडा हो जाएगा, फिर जाके आप 30 या 60 ml व्हिस्की को पोर करके पी सकते हैं। और ये है फर्स्ट जिसको कहा जाता है नीट ड्रिंकिंग, तो आगे से याद रखिएगा। चलिए सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सेकंड ऑप्शन, और यह है
ऑन द रॉक्स. अक्सर हम लोग क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ आइस देते हैं ग्लास में और विस्की को ऊपर से पोर कर देते हैं 60 या 30. इसको कहा जाता है ऑन द रॉक्स. बट फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर विस्की को लॉट्स ऑफ आइस से पिएंगे तो क्या होता है, विस्की सुपर चिल्ड हो जाता है और जब भी आप सीप कीजिएगा तो वो जो विस्की है उतना ठंडा होने के कारण आपका जो टंग है उसको नम कर देता है, एनिस्थीसिया से आ जाता है उतनी चिल्ड होने के कारण, और उसके का जो नुअंस फ्लेवर है वो गायब हो जाता है. तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जानना ज़रूरी है. आपको क्या करना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ. आपको एक बड़ा सा आइस क्यूब डालना है, एक ही आइस क्यूब आपको डालना है और इसको हल्का करके पीना है. इसको कहते हैं ऑन द रॉक्स. देखिए एक बड़ा सा आइस क्यूब डालने से क्या होता है, यूजुअली आइस जो है बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाता है अगर आपका आइस बहुत टाइट नहीं हुआ, और मेल्ट होने के कारण आपका विस्की में वाटर बहुत सारा ऐड हो जाता है और इसके कारण आपका विस्की का जो ओरिजिनल टेस्ट है, नुअंस फ्लेवर है, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ वाटर और डाइल्यूशन. तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी विस्की को पियेंगे एक बड़ा सा आइस क्यूब को यहाँ पर डालिए और आहिस्ता आहिस्ता पीजिए ऑन द रॉक्स. अगर आपके पास बड़ा सा आइस क्यूब नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल है. आपके घर में अगर रेगुलर साइज का आइस क्यूब है तो वो 4 दे दीजिए, अगर उससे भी छोटा है तो 6 दे दीजिए और उसके बाद आप ऑन द रॉक्स की हैसियत से पीजिए. फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखना है कि ऑन द रॉक्स का मतलब है हाफ फिल विथ आइस एंड देन विस्की जो आपको डालना है ऊपर से. ऐसा क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लॉट्स ऑफ आइस देंगे तो बहुत विस्की ठंडा हो जाएगा, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा. तो ये था सेकंड तरीका. चलिए थर्ड तरीका जो है और तीसरा जो प्रोसेस है उसके बारे में एक बार बात करते हैं. नाउ तीसरा जो प्रोसेस है ये है विस्की विथ वाटर. जी हाँ, सिंपली वाटर. और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विस्की तो लेते हैं 60 ml और उसमें हम लोग 240 ml ठंडा या रेगुलर वाटर को डाल देते हैं टॉप तक. इससे होता क्या है, विस्की बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, अल्कोहलिक परसेंटेज जो है काफ़ी हद तक गिर जाता है, एट द सेम टाइम आपको कोई भी ओरिजिनल फ्लेवर नहीं मिलता है. तो थर्ड प्रोसेस में आपको कहा जाता है कि विस्की का जो पोर्शन आपने डाला है 30 या 60, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इट कैन बी चिल्ड, इट कैन बी रूम टेम्परेचर. तो जैसे कि मैं यहाँ पर 60 ml विस्की को डाला तो मैं यहाँ पर 60 ml वाटर को डालूंगा. तो चलिए 60 ml वाटर को डालते हैं. अब ये बन गया आपका परफेक्ट पेग 60 ml विस्की के साथ 60 ml वाटर. अच्छा ये क्या असर करता है, आप अगर देखेंगे कि आपका अगर पैलेट रेडी नहीं है नीट ड्रिंकिंग के लिए तो ये काफ़ी हद तक हर्श इफेक्ट देता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. तो रिकमेंड किया जाता है कि आप 60 ml के साथ 60 ml वाटर या 30 ml के साथ 30 ml वाटर को ऐड कीजिए. इससे क्या होगा, उसके काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा और आपको पैलेट में हर्श नहीं लगेंगे, एट द सेम टाइम वो सारे नुअंस फ्लेवर जो विस्कीज में होते हैं आपको वो मिलेगा. हालांकि थोड़ा कम मिलेगा बट कोई बात नहीं फ्रेंड, बट एटलीस्ट आपको एक बिल्कुल अलग टाइप का रिफ्रेशमेंट देगा और अलग टाइप का एक विस्की ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस देगा. तो ये तीन प्रोसेस बहुत फेमस है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो शायद आप जानते नहीं थे. तो इस वीडियो से मैंने आपको ये बता दिया. तो थोड़ा सा चीयर्स भी कर लेते हैं. चीयर्स. तो फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही. आज आप जान गए हैं कि वो तीन प्रोसेस क्या है जिससे विस्कीज को पीना चाहिए और पीने के बाद आपको मैक्सिमम एंजॉयमेंट मिलता है, बेस्ट विस्की ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस मिलता है. फ्रेंड मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. जय हो.